राइट को मोड़ लीजिए, सब लोग ध्यान मुद्रा में। ठीक है सब लोग बैठे, इसको दिखेगा नहीं उधर वालों को। पहले बैठे वाले करेंगे, सही तो लास्ट में आपने खड़े वाले जिसमें बार बार अपना बैठा नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पूरा ध्यान, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में। उंगलियां भी अभी रहेगी घुटने के ऊपर, हाथ रहेंगे दोनों, रीढ़ की हड्डी रहेगी, रीढ़ सीधी रहेगी और दो अलग अलग है, एक ही है। हाँ तो बीच में बिठाना, जाओ ना बेटा, तुम लोग तो वहीं जाओगे ना, जाओ जाओ जाओ, अपना पेपर लेके जाओ। ओ जो बच्चा करने का एक्टिव हो, जिसको योगा में बहुत इंटरेस्ट हो, सामने में आकर यहाँ बैठ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो पहले से योग जानते हैं, कोई है? आप दोनों हैं, चटाई ले लीजिए ऊपर जैसा सर बताएगा उसे उसी के हम करते हैं। और बाकी लोग इस दोनों गाइड को देखते हैं। उद्गीत कर रहे थे, अब हम करेंगे ब्राह्मी। दोनों हाथ पांच चार उंगलियां आपके ऊपर रहेंगी, ऐसे करके इसमें भी हम ओम का जप करेंगे। अंदर तीनों चार उंगलियां आंखों के ऊपर और ये अंगूठा कान, तीन बार नहीं कर सकते हैं। इससे जिनके कानों में प्रॉब्लम होती है, घनघनाहट होती है, झंझनाहट होती है, कान में डबल आवाज आती है, ये कान के रोगों के लिए बहुत ही अति उत्तम। इससे जिनको कान की प्रॉब्लम होती है रोगों की, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। चलो शुरुआत करते हैं ब्राह्मी प्राणायाम। अंगूठा से कान को दबा कर रखो, बंद करके आवाज बाकी ना आए। पूरा ध्यान ओम, और बोलना नहीं है, मुंह में ही ऐसे करना है। श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए मुंह बंद। तीन प्रकार के आसन हो गए। शुरुआत में हमको जो सुटेबल लगे, जिसको जो सुविधा हो, उस आसन में बैठ कर सकते हैं। ठीक है,
फिर हम करते हैं, पहले आपको आसन के बारे में बताता हूँ, फिर शुरू आप करते हैं। अभी मैंने पहले सीधासन, सुखासन, पद्मासन के बारे में बताया। ऐसे जब पैर पहले ऐसे जब करते हैं ये होता है मंडूकासन। पहले ये वज्रासन हो गया, वज्रासन में बैठ गए, इसको जब ऐसे करेंगे तो मंडूकासन हो जाएगा। आसन कैसे, जब जब थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे तो नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बता देता हूँ, शुरुआत करते हैं, चालू करते हैं, तो उद्गीन के साथ शुरू करेंगे। पहले पहले लोग सब सीधा से बैठ जाए। सब लोग आ रहे हैं, कपाल भाती हो रहा है, समझ आ गया। सांस अपने घर बाहर निकालना है, नाक में श्वास निकालना है, ऐसा रोज करना है, 5 से 10 मिनट अपने हिसाब से कर सकते हैं। पैर में अगर दर्द हो रहा है, फिर पैर को आप इधर से पैर से पैर कर सकते हैं, एक ही जगह बैठने में ऐसे दर्द हो जाता है, ठीक है, पैर चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा हुआ कपाल भाती, अब हम करेंगे अलोम विलोम। अलोम विलोम प्राणायाम, नहीं अब इसके बाद करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अलोम विलोम अभी बात बताता हूँ, अभी हमने किए थे कपालभाति, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको श्वास लेने की तकलीफ होती है, फेफड़े से संबंधित, लंग से संबंधित जिनको बीमारियां होती हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभवान, बहुत ही फायदेमंद है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करेंगे, जिनका पैर ज्यादा कर रहा हो, उसी आपको थोड़ा सांस अपने बाहर निकालिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, पूरा पाचन तंत्र सही कर लेंगे। चलो संगी परिवार, जा जल्दी
देखो तुम लोग का ये हाल है, इस बच्चे का हुआ है सही, खेलना कूदना सब भूल गए हो, फिजिकल एक्टिविटी नाम की चीज है नहीं, जीरो। इधर से जाते हैं उधर करो जल्दी, ये खड़े होने वाला तुम लोग पीछे न।